हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो पे हम डील करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे टी एल सी मीन्स थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, और इसके अलावा भी होती है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो इनके जितने भी टाइप्स हैं हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम इंट्रो देख रहे हैं, किसका, क्रोमेटोग्राफी का। तो क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे। थोड़ी बहुत हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन एक अलग से देख लेंगे, बट एग्जैक्टली क्रोमेटोग्राफी है क्या, इसका मतलब क्या है, ये हम कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू अभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि होता क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन प्रोसीजर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, इट इज़ अ सेपरेशन प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर है, ये वो प्रोसीजर है जिससे आप सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, फॉर सॉल्विंग अ मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ ट्रेस माइनर एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये एक सेपरेशन प्रोसीजर है। किसके लिए सेपरेशन कर रहे हैं आप, मल्टी कंपोनेंट। अगर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, मल्टीपल सब्सटेंस है, उसका मिक्सचर है, इवन वो ट्रेस अमाउंट में ही मिक्स क्यों नहीं हुआ हो, ट्रेस अमाउंट में मिक्स क्यों ना हो, माइनर अमाउंट में मिक्स क्यों ना हो, या फिर मेजर अमाउंट क्यों ना हो, तो कितना भी अगर मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है आपके पास, इवन अगर कोई भी एक सब्सटेंस या कोई भी एक मटेरियल बहुत ट्रेस अमाउंट में है तो भी सेपरेशन हम कर सकते हैं, माइनर अमाउंट में है तो भी सेपरेशन कर सकते हैं, और मेजर अमाउंट में है तो सेपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन प्रोसीजर है, जिसको अगर आपके पास कोई मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है या कोई मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं एक दूसरे में, और आपको उन्हें अलग अलग करना है, सेपरेशन करना है, इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में आपको उनको अलग करना है, तो आप कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, आप यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये वो वाला प्रोसीजर है जिससे आप सेपरेशन कर सकते हैं। आपके पास कई सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तब आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, इवन मिक्सचर में कोई ट्रेस अमाउंट मटेरियल हो, माइनर अमाउंट हो या मेजर अमाउंट हो, उससे कोई लोड नहीं है आपको, आप सेपरेशन कर सकते हैं किसी भी हालत में, और वो सारे ट्रेस मटेरियल माइनर अमाउंट्स के जो भी सब्सटेंस मिक्स हुए हैं उनको आप इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में गेन कर सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में अलग अलग कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस में अप्लाई टू सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं आप उनमें सॉलिड अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड अप्लाई कर सकते हैं, गैस अप्लाई कर सकते हैं। जब हम फेज के बारे में पढ़ेंगे ना, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो आप सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैस वाला फेज भी होता है, हम कई तरीकों से क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेपरेशन प्रोसीजर, ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। हम फॉरेंसिक साइंस में सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों काम करते हैं, तो हम क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज प्राइमरीली अ सेपरेशन टूल। तो बेसिक काम क्या है क्रोमेटोग्राफी का, कि वो सेपरेशन करती है, ठीक है। इट इज अ सेपरेशन टूल एंड अप्लाइड इन बोथ कंडीशन, इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये प्राइमरीली सेपरेशन टूल है और हम दोनों कंडीशंस में यूज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों तरीके की एनालिसिस हम करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ होती है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ होती है, देखेंगे कैसे। बट फॉर द कन्फर्मेशन इट यूजुअली रिक्वायर्स कन्फर्मेशन बाय अदर प्रोसीजर्स लाइक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइमरी लेवल पे या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर्पस। बट आपको कन्फर्मेशन अगर चाहिए तो आपको इन सारे टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यूज़ करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कन्फर्मेशन के लिए। प्राइमरीली आपको क्रोमेटोग्राफी करके आप यूज़ कर सकते हैं
सकते हैं, बट अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करनी पड़ सकती है, NMR यूज़ करना पड़ सकता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है इसका फुल फॉर्म, आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सारी टेक्निक्स का आप हेल्प लेते हैं अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, हम एग्जामिनेशन करते हैं तो एक टेस्ट करते हैं ना कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड देन कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, तो वही चीज़ होती है। आपको डबल श्योर अगर होना है या डबल श्योर होने के लिए आप प्राइमरी लेवल पे क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में आपका जो सैम्पल है, आपका जो सब्सटेंस है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है। बट अगर आप कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं तो समटाइम्स, जैसे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, तो ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि IR रेडिएशन लगी हुई होती है इसमें, तो आपका जो सैम्पल है वो हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो प्राइमरी लेवल पे हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं कि अगर बाद में अगर क्रोमेटोग्राफी से आपकी सारी चीजें शॉर्टेड हैं तो फिर आप कोई कन्फर्मेशन करने के लिए अगर सैंपल आपका खराब भी हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और अगर खराब अगर प्राइमरी लेवल पे खराब हो रहा है तो आप कन्फर्मेशन तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। क्वांटिटी कैन बी एनालाइज्ड बाय मेजरिंग द एरिया ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पीक। तो क्वांटिटी पता करने के लिए क्या करते हैं आप, क्वांटिटी जानने के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बाय मेजरिंग द, क्या मेजर कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पीक। आप एरिया देखेंगे, इसमें भी एक ग्राफ सा आपको मिलता है एट द एंड ऑफ द एनालिसिस, आपको एक ग्राफ सा मिलता है और ग्राफ में कुछ पीक मिलते हैं, ग्राफ में क्या मिलते हैं, कुछ पीक मिलते हैं, तो पीक को देखते हुए, पीक को आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी का एनालिसिस कर सकते हैं, आपको क्वांटिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पीक देख के ये जो क्रोमेटोग्राफिक आपको जो ग्राफ मिलता है, आप ये ग्राफ देख के एंड क्रोमेटोग्राफिक पीक देख के क्वांटिटी का एनालिसिस कर सकते हैं इन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब फाउंडर कौन थे, किन्होंने ये सिस्टम खोजा, किन्होंने ये सिस्टम बनाया, तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये किस किन्होंने इन्वेंट किया क्रोमेटोग्राफी या किन्होंने यूज़ करा था सबसे पहले, तो ये जो टेक्निक है सबसे पहले इन्वेंट करी थी किन्होंने, M.T. स्विट थे, कौन थे वो, बोटानिस्ट थे इन 1906। ठीक है, 1906 में बोटानिस्ट थे कौन, M.T. स्विट, जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी को फाउंड किया था। इन दिस ईयर ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट पिगमेंट्स को इन्होंने सेपरेट करने का वर्क किया था, जैसे हमने बोला ये एक सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, ये हमारी एक सेपरेशन टेक्निक है। तो जो साइंटिस्ट थे, जो बोटानिस्ट थे, M.T. स्विट, उन्होंने 1906 में सक्सेसफुली क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल को सेपरेट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और तभी उन्होंने इसका इन्वेंशन किया, इसे यूज़ करके क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल को सेपरेट किया, किन्होंने, M.T. स्विट ने, जो कि बोटानिस्ट थे। बेसिकली सेपरेशन का ही काम करता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये तो हुई हिस्ट्री या फिर जो भी फाउंडर आप कह सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी आती है, ठीक है, हिस्ट्री भी कह सकते हैं, द कॉलम ऑफ, अब उन्होंने ये क्लोरोफिल ज़ैंथोफिलिया कह सकते हैं हम, प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट कैसे किया, उन्होंने क्या यूज़ किया, द कॉलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज़ करा, कॉलम यूज़ करा, द कॉलम एक्टेड एज एब्जॉर्बेंट, कॉलम किस तरीके से एक्ट करा उसने, इट एक्टेड एज एब्जॉर्बेंट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा क्या था, कॉलम था, वो कैसे उसने एक्ट करा, अब्जॉर्बेंट के तौर पे उसने एक्ट करा, एंड डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड एंड डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट एक्सटेंट, तो जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस थे वो अलग अलग जगहों पर जाके अब्जॉर्ब हुए, एंड गिव कलर एंड गिव कलर्स बैंड एंड गिव कलर्ड बैंड, कर लो इसको कलर्ड बैंड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके अब्जॉर्ब हुए, वो अब्जॉर्बेंट जो शीट थी, अब्जॉर्बेंट जो मटेरियल था कैल्शियम कार्बोनेट का, और उन्होंने डिफरेंट कलरफुल बैंड्स दिए एट डिफरेंट पोजीशंस, दैट्स व्हाई M.T. स्विट टर्म्ड द सिस्टम क्रोमेटोग्राफी। इसलिए उन्होंने किसका इस प्रोसेस का नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस अब्जॉर्ब हुए थे कैल्शियम कार्बोनेट के कॉलम में, और उन्होंने एक डिफरेंट कलर का फॉर्मेशन किया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है ये, एक ग्रीक वर्ड है क्रोमेटोग्राफी, एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन नहीं है, ग्रीक वर्ड है, जिसका फर्स्ट मीनिंग होता है क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, एंड ग्राफोस का मीनिंग होता है राइटिंग। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, कलर राइटिंग।
अब कलर राइटिंग क्यों नाम पड़ा, जैसे कि मैंने बोला कि जो प्लांट 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 मटेरियल्स थे, प्लांट के जो मटेरियल्स थे, प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए एम टी स्पेट ने क्या करा, एक अब्सॉर्बेंट शीट रखी। ये एक अब्सॉर्बेंट शीट है, किससे बनी हुई, कैल्शियम कार्बोनेट, शॉर्ट में लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस अब्सॉर्बेंट शीट में जो प्लांट पॉइजन है, सॉरी प्लांट पॉइजन नहीं, प्लांट पिगमेंट्स हैं, जो प्लांट पिगमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे सेपरेट हो गए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स का फॉर्मेशन किया। फॉर एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, येलो, फिर से रेड, नहीं रेड तो नहीं, रेड तो यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कर लो इसको, ब्राउन और ऑरेंज। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स बने ना, इसलिए ही इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कलर राइटिंग, क्योंकि डिफरेंट कलर्स हुए थे। तो उन्होंने जो सर थे हमारे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कलर राइटिंग नाम रख दिया, जो कि एक ग्रीक टर्म है। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफोस मीन्स राइटिंग, तो कलर राइटिंग या क्रोमेटोग्राफी हम इस प्रोसेस को कहते हैं। बट अभी आप कई बार क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कलर राइटिंग मिले या कलर का कोई उसमें सीन हो, ऐसा नहीं होता है। बट इनिशियली जब इस टेक्निक को इन्वेंट करा गया था तो ऐसे कलरफुल बैंड्स बने थे, जिसके पीछे इसका नाम ऐसा पड़ गया। ठीक है, अब एक नॉर्मल अगर आप प्रोसेस के थ्रू समझो कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल बस में जा रहे हैं, या आपकी स्कूल बस है, तो आपको पता है आप पांच फ्रेंड्स हैं। फॉर सपोज ए बी सी डी एंड ई, आप पांच फ्रेंड्स हो और आपका स्टॉपेज अलग अलग है। आपको पता है कि सबसे पहले ई का स्टॉपेज आता है, फर्स्ट नंबर सबसे पहले ई स्टॉपेज आता है और वो सबसे पहले उतरता है। डी का स्टॉपेज दूसरे नंबर पे आता है, ए का स्टॉपेज तीसरे नंबर पे आता है, बी का स्टॉपेज फॉर एग्जांपल फोर्थ नंबर पे आता है, एंड सबसे लास्ट में कौन उतरता है, सबसे लास्ट में उतरता है सी। ठीक है, तो सबका घर फिक्स है, सब अपने घर पे ही उतरेंगे, तो ये चीज़ें फिक्स रहती है। तो ये जो बस हो गई आपकी, ये बस हो गई मोबाइल फेज, और आप कहाँ पे, आपका जो हाउस हो गया वो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, वो आपका हाउस हो गया स्टेशनरी फेज है आपका घर, तो आप अपने घर पे ही उतरेंगे। तो सबसे पहले उतरेगा ई, आपको पता है सबसे पहले ई आएगा, फिर कौन उतरेगा अपनी बस से, डी, फिर थर्ड पे ए, फिर फोर्थ पे बी, एंड लास्टली सी। तो ये हमेशा अपने अपने प्लेसेस पे ही उतरेंगे, बस हमेशा वहीं पे ही स्टॉप होगी। तो इस वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सी है, उसको नींद आ गई, क्योंकि उसका लास्ट स्टॉपेज है, तो वो सो गया बस में बैठे बैठे। बट जब पहले स्टॉपेज पे जब उतरी, उसने हेड डाउन किया हुआ है, बट उसको पता है कि सबसे ई ही उतरेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले स्टॉपेज पे ई उतरता है, भले ही वो देख नहीं रहा, बट उसको पता है कि ई उतरेगा। सेकेंड अगर बस रुकती है तो वो, उसको पता है कि डी उतरेगा, फिर ई उतरेगा भी। तो ये आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे क्रोमेटोग्राफी, तो ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी यही प्रोसीजर्स है कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो अपने एक एरिया पे ही जाके अब्सॉर्ब होते हैं, या जो उनका ट्रैवल करने का, जो उनका डिस्टेंस करने का जो एरिया होता है, जो लेंथ होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम, थोड़ा सा डेफिनेशन अगर हम देखें कि डेफिनेशन अगर आपको कभी सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है या कोई रिटन आपको एग्जाम लिखना है, तो अगर मैंने बोला कि डेफिनेशन बताओ क्रोमेटोग्राफी की, तो आप कैसे देंगे? तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन, हमने पहले ही पढ़ लिया कि इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन, अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो मिक्सचर के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग अलग करने के लिए आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई कंपोनेंट क्या, स्कूल के कंपोनेंट है, बट अगर हम उनको सेपरेट करना है तो बस में बिठा के घर भेजना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, थ्रू इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस। अब हम दो फेज भी यूज़ करते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस होती है। हम देखेंगे वो दो फेजेस कौन से होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर मूव्स। जैसे मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मूव्स। तो अलग अलग मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। उनका एक सेट एरिया होता है, उनका एक सेट प्लेस होता है, या उनका एक सेट लेंथ होता है मूव करने का। ठीक है, तो अपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप
पोरस मीडियम पे वो मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके सेपरेट हो जाएंगे, किसमें, स्टेशनरी फेज में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट और गैस मोबाइल फेज। तो किसके इन्फ्लुएंस में, अब इन्फ्लुएंस भी तो होना चाहिए, तो किसका इन्फ्लुएंस है, किसी सॉल्वेंट का हो सकता है या गैस का हो सकता है, तो ये सॉल्वेंट और गैस क्या है, मोबाइल फेज है। ठीक है, आराम से देखते हैं कि मोबाइल फेज क्या है। मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड और गैस, इट कैन बी लिक्विड और गैस मोबाइल फेज, लिक्विड भी हो सकती है गैस भी हो सकती है। द मोबाइल फेज फ्लोज थ्रू द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है मोबाइल फेज एंड कैरी द कंपोनेंट एंड कैरी द कंपाउंड, और वही कंपाउंड को कैरी करता है मिक्सचर में से। ठीक है, स्टेशनरी फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, सपोर्टेड ऑन द सॉलिड दैट मोबाइल फेज ट्रैवल्स थ्रू द स्टेशनरी फेज। तो जिस पे मोबाइल फेज ट्रैवल करता है या जिस पे मोबाइल फेज का मूवमेंट है वो स्टेशनरी फेज कहलाता है। ठीक है, डायग्राम से हम देखेंगे आगे। ये देखो, ये एग्जाम्पल है, ये क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा फिल्टर पेपर, जिसे आप कह, या तो हम कह सकते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्या है, ये हमारा स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज है और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट मोबाइल फेज। ठीक है, ये मोबाइल फेज है, ये हटा जाने दो। ठीक है, और ये आप लेंगे बीकर, आप इसको, ये कहां तक है, ये टच कर रहा है आपके मोबाइल फेज को, और आपने यहाँ पे आपके मिक्सचर का स्पॉट डाला है। ये क्या है, इंक स्पॉट फॉर एग्जांपल, मिक्सचर है आपका, मिक्सचर ऑफ इंक्स कर लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ इंक्स है। अब ये जब सॉल्वेंट मोबाइल फेज जो है, जब इस अब्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेज को टच करेगा तो ये जो मिक्सचर है वो फ्लो करेगा। ठीक है, फ्लो करेगा। अब सबका अलग अलग स्टॉपेज है, जैसे मैंने बोला, तो इस, ये अपने अपने स्टॉपेज के अकॉर्डिंग इस अब्सॉर्बिंग शीट पे अब्सॉर्ब हो जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। समझ में आई बात, इसी तरीके से सेपरेशन होगा। तो जो आपका स्टेशनरी फेज है, जो आपका अब्सॉर्बिंग फेज है, उसमें जो मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में आपका मिक्सचर ट्रैवल करता है और अपने 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 अब्सॉर्बिंग अपने अपने अब्सॉर्बेंट रिटेंशन फैक्टर कह सकते हैं, रिटेंशन फैक्टर के अकॉर्डिंग वो अपने एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके अब्सॉर्ब हो जाते हैं और सेपरेशन का प्रोसीजर हम कर सकते हैं। इंडिविजुअल पिगमेंट्स ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस अप टू द फिल्टर पेपर। तो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, सबका अलग अलग एरिया होता है, सबका अलग अलग प्लेस होता है स्टॉपेज का, सबका अलग अलग स्टॉपेज होता है, तो वो अलग अलग स्टॉपेज में जाके रुकते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जिनको हम ये हमारा सेपरेशन भी होगा और इसका इल्यूशन भी कर सकते हैं कि हम अलग अलग इनको रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, जैसे कि पहला स्टेप क्या है, अब्सॉर्प्शन एंड रिटेंशन, अब्सॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ अ सब्सटेंस और द सब्सटेंस ऑन द स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज में अब्सॉर्प्शन हो रहा है या रिटेंशन हो रहा है, किसका, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का। ठीक है, ये पहला प्रोसेस होगा, प्रोसेस पहला सेकेंड प्रोसेस नहीं है, कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो क्रोमैटोग्राफी में फॉलो होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं क्रोमैटोग्राफी के अंदर। सेपरेशन ऑफ अब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस बाय द मोबाइल फेज, अब किसके इन्फ्लुएंस में सेपरेशन हो रहा है, मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में हो रहा है ना, इसके इन्फ्लुएंस में ट्रैवल करते हैं सब्सटेंसेस, तो ट्रैवल करेंगे मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में एंड अब्सॉर्ब होंगे और सेपरेट होंगे। फिर क्या और क्या होता है, रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंस, तो सेपरेटेड सब्सटेंस को आप रिकवर कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, बाय कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज, अगर आप कंटिन्यूसली मोबाइल फेज को फ्लो कर रहे हैं, तो पहले जैसे कि हमने देखा, ये देखा, तो यहाँ पे देखो कि इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली मोबाइल फेज को फ्लो कराते हैं, तो सबसे पहले सेपरेट येलो होगा, फिर रेड होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर डार्क ब्लू होगा, तो ऐसे अपने उसके अकॉर्डिंग ही हम सेपरेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं और इल्यूशन कर सकते हैं, इट मीन्स रिकवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को, ये जो रिकवरी का प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं, इल्यूशन। नेक्स्ट, आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं इल्यूटेड सब्सटेंस का। अब आपने सेपरेट करके अलग कर लिया, ठीक है, अब उसका आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से
कर सकते हैं। अब कितने टाइप के होते हैं क्रोमेटोग्राफी, अब हमें तो कई सारे टाइप्स पढ़ने हैं ना, सिर्फ क्रोमेटोग्राफी ही नहीं पढ़नी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मेजर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी आप कोई हाउस बिल्ड करते हैं तो आपको पहले बेस बनाना पड़ता है ना, तो वैसे ही है कि आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी पढ़ने से पहले आपको बेस बनाना है कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस क्या है, क्या होता है, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया। अब कितने टाइप्स की होती है क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी होती है कॉलम या एड्सॉर्प्शन, कॉलम या एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसका स्टेशनरी फेस क्या होता है, स्टेशनरी फेस होता है सॉलिड, और मोबाइल फेस क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज एंड सॉलिड फेज चेंज होते हैं डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी में। तो अगर आप कॉलम या एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, मोबाइल फेज लिक्विड होता है। सेकेंड क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड फेज भी लिक्विड होता है एंड मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है, दोनों फेज जो हैं लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड होता है स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड होता है मोबाइल फेज। वन सेकेंड, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड नहीं होता, सॉलिड होता है, ठीक है। फोर्थ है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो आपका लिक्विड और सॉलिड हो सकता है स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड होता है मोबाइल फेज। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड, मोबाइल फेज सॉलिड। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में आपको जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड लेना है, मोबाइल फेज गैस में लेना है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपको जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड लेना है एंड मोबाइल फेज आपको गैस में लेना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि इन सारी चीज़ों में होता क्या है। अब क्रोमेटोग्राफी पे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि RF वैल्यू, RF वैल्यू कैसे मेजर करते हैं या RF वैल्यू क्या होती है। तो मेजर करने का सिंपल सा फॉर्मूला है RF वैल्यू का, डिस्टेंस, स्पॉट का डिस्टेंस वर्सेस सॉल्वेंट का डिस्टेंस, ठीक है। आप स्पॉट डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट डिस्टेंस के थ्रू RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पॉट डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्पॉट या मिक्सचर, और सॉल्वेंट डिस्टेंस को आप कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट या मोबाइल फेज, ठीक है। तो ये हम करते हैं, तो पहला है मेजर द डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल्ड। आपको सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करना है किसका, आपका जो स्पॉट है उसने जो ट्रैवल किया है उसका। फिर आपको मेजर करना है कि सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल ये आपका एक बीकर है, आपने प्लेट डाली, ये आपका सॉल्वेंट मोबाइल फेज है, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल फेज है आपका, ये है आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये है आपका स्टेशनरी फेज, आपने यहां पे स्पॉट दिया है, ठीक है। स्पॉट ने कहां तक ट्रैवल करा, यहां तक ट्रैवल करा, ठीक, ट्रैवल किया यहां तक स्पॉट ने, या बीच बीच में कहीं पे रुक रुक के ट्रैवल किया। और आप कितना डिस्टेंस देखेंगे, आप देखेंगे इतना डिस्टेंस स्पॉट से लेके जितना ट्रैवल हुआ, ये हमारा हो गया स्पॉट मेजर, आई मीन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्पॉट। और मोबाइल फेस ने कितना ट्रैवल करा, मोबाइल फेस ने पूरा कवर कर लिया, ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्पॉट। तो फॉर एग्जांपल ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, तो आपका RF वैल्यू आप कैसे करेंगे, RF वैल्यू के लिए आप करेंगे 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सिर्फ हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ऐसा आपको मेजर करना है, पहले डिस्टेंस जो स्पॉट ने ट्रैवल करा है, उसके बाद आपको मेजर करना है मोबाइल फेस का डिस्टेंस कि सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया है, और RF वैल्यू के इस फॉर्मूले से आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब RF वैल्यू है क्या, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर रिटार्डेशन फैक्टर, ओके, इट स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर आप कह सकते हैं। इट इज दिस वैल्यू टेल्स हाउ फार द अननोन पिगमेंट ट्रैवल, ये आपको बताता है कि जो अननोन पिगमेंट है उसने कितना ट्रैवल करा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पिगमेंट है, आपके पास जो सब्सटेंस है, आपको पता नहीं है कि वो है क्या, बट आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो RF वैल्यू का जो पहले से चार्ट प्रेजेंट है कि इंक का RF वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इंक का RF वैल्यू क्या है, ब्लू इंक का
ब्लू इंक की आर एफ वैल्यू 0.23, रेड इंक की आर एफ वैल्यू क्या है 0.89 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं कि अगर 0.89 आर एफ वैल्यू आ रहा है और अननोन मटेरियल है तो आपको पता है कि ये रेड इंक हो सकती है, या 0.23 इसका आर एफ वैल्यू आ रहा है तो ये ब्लू इंक हो सकती है। तो आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं आर रिटार्डेशन फैक्टर से, रिटेंशन फैक्टर से, कि कोई भी जो मिक्सचर है अननोन जो पिगमेंट है वो उसने कितना ट्रैवल करा, और उसके ट्रैवल करने के डिस्टेंस से आप बता सकते हैं कि वो पिगमेंट क्या हो सकता है। इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द पिगमेंट, पिगमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाय कंपेयरिंग इट्स आर एफ वैल्यू टू दैट ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड। आपके पास कुछ नॉन स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैंने ये जो बोला दिस इज नॉन स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप नॉन स्टैंडर्ड से मैच करके आप आर एफ वैल्यू के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पिगमेंट का, सेपरेशन करके क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो क्रोमेटोग्राफी हमने देख ली, सारा बेसिक चीज़ कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम TLC पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, TLC पढ़ेंगे, TLC को देखेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिक आई थिंक जो प्रिंसिपल है इसके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर उसे क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। See you in the next video. Bye.